वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ रहे थे क्या? वॉइस इंटर में आप पढ़ रहे थे वॉइस। तो वॉइस के हमने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव का फार्मूला, मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अपना। और आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के पढ़ेंगे, यस आर नो टाइप वाले भी और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को भी हम देखेंगे, और इसके साथ साथ में जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं हम उनको भी देखेंगे। सिलेक्टिव सेक्स की आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनके भी प्रयोग हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उसी क्रम को बढ़ा देते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव को हमने आपको बता चुके हैं। आइए देखते हैं क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आज हम पढ़ते हैं क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जानते हो आप कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस आर नो टाइप सेंटेंस है, जिन्हें आप लोग जानते हो कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को देखते हैं, जिन्हें आप फर्स्ट टाइप के नाम से भी जानते हो, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हो, चाहे उन्हें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लें, चाहे उन्हें यस आर नो टाइप कह लें, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस कह लें, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस जो यस आर नो टाइप में हों, अर्थात फर्स्ट टाइप वाले में हों, क्या डालेंगे? यस आर नो टाइप सेंटेंसेस, ठीक है? तो इसका जो हमारा जनरल फार्मूला बनेगा उसे हम क्या पर लिखेंगे? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और प्लस के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट और नेवर का प्रयोग, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और जब हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वर्ब में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप वाले सेंटेंस में जब हम इसको बनाएंगे, तो करना क्या है कि एक्टिव वॉइस के समान ही हमें पैसिव वॉइस में भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें सब्जेक्ट के पहले रखना है, ठीक है? आगे देखते हैं कि क्या बनेगा जनरल फार्मूला आपका, ये कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म और प्लस आपका बाई और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपकी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। तो ये आपका जनरल फार्मूला है, चाहे किसी भी टेंस में वाक्य हो, ये आपका जनरल फार्मूला है, चाहे आपका किसी भी टेंस में वाक्य हो, आप आसानी से इस फार्मूले की मदद से आप बना सकते हो, ओके? तो देखते हैं सेंटेंस दिखाए क्या कि हैव यू कॉट द ट्रेन फॉर मुंबई, ठीक है? ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है, ये आपका एग्जांपल के तौर पर कि हैव यू कॉट द ट्रेन फॉर मुंबई, क्या तुमने मुंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ ली है? तो क्या बनेगा? आप जानते हो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्या तुमने मुंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ ली है, और क्या पकड़ ली है? द ट्रेन मुंबई के लिए, द ट्रेन मतलब, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द ट्रेन। इसको हम ले आएंगे इस साइड में, क्या बनेगा? क्योंकि जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द ट्रेन को, तो सब्जेक्ट आपका बनेगा सिंगुलर, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो वाक्य आपका दिया होगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए जानते क्या लगाते हैं? हैज में अथवा हैव बीन। क्योंकि द ट्रेन हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमें क्या लगाना है? हैज लगाना है, चूंकि
कि हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो जब दो शब्द प्रयोग हो या तीन शब्द प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में हम जानते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे तो पहला वाला जो शब्द हमारा होगा वो हमारा सब्जेक्ट के पहले आएगा और बाकी उसके लिए उसके बाद में अन्य शब्दों का प्रयोग होता है, आप जानते हो। तो हैज हो गया, फिर क्या करेंगे आपको लिखना है, क्या हमें ऑब्जेक्ट लाना है, तो हैज द ट्रेन और हैज बीन का प्रयोग होता है तो द ट्रेन के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैज द ट्रेन बीन और फिर क्या लगाना है कॉट। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर एडवर्ब का प्रयोग हो, अगर कंप्लीमेंट्री वर्ड्स के रूप में एडवर्ब का प्रयोग हो तो ऐसे अवस्था में हमें क्या करना होता है कि वर्ब के बाद में ही वो लगाना ज्यादा उचित रहता है। तो क्या लग लिख सकते, लिखते हैं कॉट फॉर मुंबई से हम पहले ले आएंगे, यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग है फ्रेजल वर्ब, फिर फॉर मुंबई और फिर क्या लगाया हमने बाय का प्रयोग किया, साथ देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब का लगाया हमने, प्लस सब्जेक्ट क्या हुआ द ट्रेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कार्ट का प्रयोग हुआ, फिर चूंकि यहाँ पर फॉर मुंबई एडवर्ब आप प्लेस के रूप में काम कर रहा है, मतलब एडवर्ब दिया हुआ है तो वर्ब के बाद में ही लगाना ज़्यादा सही होता है, तो फॉर मुंबई हम लगा दिया और बाय सब्जेक्ट क्या बन रहा है यू है, तो यू को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और आप चाहो तो फॉर मुंबई को बाद में भी ला सकते हो स्टूडेंट्स। ओके तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर यू। ओके और इसके बाद हम एक और सेंटेंस उदाहरण के रूप में लेते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में मतलब यस और नो टाइम में होगा, ये तो हुआ, ये तो हमने क्योंकि हम इसे आपको जनरल फार्मूले के माध्यम से बता रहे हैं, हर टेंस के फार्मूले हम आपको बताएंगे अपर में इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव तो उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जनरल फार्मूले के अंतर्गत हम आपको ये बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, आप आसानी से समझ जाएंगे। निकलना क्या हमको है, एक और सेंटेंस लेते हैं, लिखा है क्या ये है एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू लिखा है क्या कि वेन राधा डेगू रेट दिस रूम फॉर बर्थडे, तो फिर राधा डेकोरेट दिस रूम फॉर बर्थडे, क्या राधा जन्मदिन के लिए इस कमरे को सजाएगी, तो क्या बन जाएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है राधा और ऑब्जेक्ट क्या है दिस रूम, राधा सजाएगी क्या सजाएगी दिस रूम इस कमरे को, तो ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा दिस रूम और दिस रूम के लिए क्या लगेगा, क्योंकि वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लगा हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है विल बी और शैल बी, तो दिस रूम के साथ में क्या आएगा विल बी, तो क्या करेंगे क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इसलिए विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विल बी दो अपने दो शब्द आएंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो एक बाय एक सब्जेक्ट के बाद में, तो विल ऑब्जेक्ट क्या है दिस रूम को बनाएंगे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा दिस रूम, और फिर आपका हेल्पिंग वर्ब में जो अन्य शब्द बचेंगे वो आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद में, तो विल दिस रूम भी, और फिर क्या लगाना आपको है वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी डेकोरेट, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, और फिर आपको लगाना क्या बाई फॉर्मूले के अनुसार, तो बाई ऑब्जेक्ट क्या है आपका क्योंकि सब्जेक्ट जो होगा वही तो आप ही बनेगा, सब्जेक्ट क्या है राधा, तो राधा का राधा को बनाएंगे क्या ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा बाई राधा और बाकी बाद में जो कंप्लीमेंट्री वर्ड्स अगर हो तो वो लगाते देते हैं, अगर कंप्लीमेंट्री वर्ड्स नहीं है तो हम उसको प्रयोग नहीं करते, तो बाय राधा और किसके लिए फॉर बर्थडे, तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके रूल के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार आप किसी भी टेंस का आप
पैसिव वॉइस बना सकते हो। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने बना करके सेंटेंस दिखाया है इस प्रकार से। और ऐसे भी आप चाहे किसी भी टेंस का हो इस फॉर्मूले से आप आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप आसानी से इसको बना लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वाला। अभी आप देख रहे थे क्या फर्स्ट टाइम में कि यस आर नो टाइप वाला सेंटेंस किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का मतलब क्या कि डब्ल्यू एच टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस, और वे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस। ओके, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं इसलिए हम इन्हें डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कह लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कह रहा है क्या कि इंटरो गेटिव सेंटेंसेस ये है आपके, और कौन से ये आपके हैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस। ओके, तो जब डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस हो तो उसका उसके लिए हम जनरल फार्मूला क्या प्रयोग करेंगे। जनरल फार्मूला ये लिखा है जी एफ, जनरल फार्मूला सामान्य फार्मूला ये है जो हम प्रयोग करेंगे। करना क्या आपको है कि जो आपका जो फर्स्ट टाइप वाला था जो यस आर नो टाइप वाला जो फार्मूला था उसी को हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसी में ही हम क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देंगे तो हमारा सेकेंड टाइप वाला मतलब डब्ल्यू एच टाइप वाला फार्मूला बन जाता है। तो क्या करेंगे, तो क्या बनेगा फार्मूला क्वेश्चन वर्ड और प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस आपको लगाना है क्या सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपको लगाना है क्या बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आपको कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो ये हो गया आपका फार्मूला, क्या लगाना है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड्स, जो भी रेस्ट आपका वर्ड्स बचे। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल, इस एग्जांपल इस फार्मूले के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस के सेंटेंस का अगर वाक्य आपका डब्ल्यू एच टाइप है तो आप आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है क्या, लिखा है क्या वा वर द बॉयज collecting fruits from the forest, लिखा है क्या where the boys collecting fruits from the forest, where the boys collecting fruits from the forest, क्या लड़के जंगल से फल इकट्ठा कर रहे थे, तो क्या इकट्ठा कर रहे थे फल। तो पहले हम सभी और आगे ढूंढ लेते हैं कौन इकट्ठा कर रहा था, द बॉयज क्या इकट्ठा कर रहे थे फ्रूट्स, तो कौन से निकलता है सब्जेक्ट, क्या से निकलता है ऑब्जेक्ट, तो क्या इकट्ठा कर रहे थे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को हम बनाएंगे क्या सब्जेक्ट, और आपका जो फ्रूट्स संदर्भ सब्जेक्ट बनेगा तो वो प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि फ्रूट्स ज्यादा है ना तो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस का पता कौन सेंटेंस का है, बॉस वर्ग के साथ लगाया था वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो सेंटेंस आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और पास्ट कंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स हम क्या लगाते हैं बॉस बीइंग और वर्ब बीइंग लगाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स है भोजन, तो आ क्या आएगा और बॉस आगे बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो क्या करेंगे वर, चूंकि फ्रूट से ज्यादा तो वर क्या लाएंगे हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो वर फ्रूट्स क्योंकि वाज बीइंग वर्ब बीइंग दो शब्द हैं तो एक सब्जेक्ट के पहले एक सब्जेक्ट के बाद में बीइंग, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है क्या सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है कलेक्ट, और कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कलेक्टेड, बीइंग
कलेक्टेड अफ्रीका लगाना आपको है बाई बाई और ऑब्जेक्ट क्या है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वही तो आगे बनेगा सब्जेक्ट क्या है द बॉयज सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स द बॉयज है द बॉयज को बनाएंगे क्या ऑब्जेक्ट बाई द बॉयज और कंप्लीमेंट्री वर्ब्स क्या है हमारे फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से हमने पास्ट कंटीन्यूअस का जो आपका इंडिकेटिव सेंटेंस है वो हमने बनाया है ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इस वाले फार्मूले से हम बनाएंगे क्या इंडिकेटिव सेकेंड टाइप वाला बनाएंगे। एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, ये तो था आपका फर्स्ट टाइप में हमने बताया कि करना क्या आपको है कि फर्स्ट टाइप वाले फार्मूले में ही क्योंकि आपने कितना ये यस आर नो टाइप में आपने कितना फार्मूला यूज किया था। जब हम सेकेंड टाइप का कोई भी फार्मूला बनाएंगे तो उसके पहले क्या लगा लेंगे हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लेंगे ठीक है। तो वो हो जाता है क्या सेकेंड टाइप। तो ये तो था हमारा किसने ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप में। अब फर्स्ट टाइप को हम सेकेंड टाइप में कैसे चेंज करते हैं देखो लिखा है क्या कि लिखा है एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कि वेयर वर द बॉयज कलेक्टिंग फ्रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ठीक है। ये आपका है सेकेंड टाइप मतलब जिसे बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप वाला। क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो मतलब यस आर नो टाइप वाले फॉर्मूले में क्या करना है आपको क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है ठीक है। जैसे कि हमने ये फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस था आपका यस आर नो टाइप वाला सेंटेंस था इसमें हमने वेयर जो जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस बन गया मतलब सेकेंड टाइप से बोलते हैं। बनाने के लिए क्या रहेगा सेम वही रहेगा बनाने के लिए क्या रहेगा सेम वही रहेगा। करना क्या है हमें हेल्पिंग वर्ब पहले जिसे हमने हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब पहले क्या जोड़ देना है आपको क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी वर्ब थी तो वर्ब के पहले में हमें क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देना है क्या बन जाएगा कि वेयर वर फिर क्या हो जाएगा वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड फिर क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब सभी क्या है द फ्रूट्स द फ्रूट्स वेयर वर द फ्रूट्स फिर क्या लगेगा आपका लगाया था क्या बीन फिर क्या था कलेक्टेड और फिर क्या लगाना आपको है बाई ऑब्जेक्ट क्या है द बॉयज द बॉयज और बाकी पूरा आपका वही रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब फ्रॉम द फॉरेस्ट ठीक है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट टाइप से सेकेंड टाइप में आपका फार्मूला बना हुआ है और हमने ये फर्स्ट टाइप वाला आपका एक एग्जांपल दिया उसी को हमने सेकेंड टाइप में कन्वर्ट करके दिखा दिया ठीक है। इसके बाद हम दो एग्जांपल और लेंगे जो सेकेंड टाइप में ही होंगे ठीक है आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं दो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल नंबर आपका टू है कह रहा है क्या कि हाउ डिड यू हाउ डिड यू सॉल्व दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस हाउ डिड यू सॉल्व दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस ठीक है। तो क्या बन जाएगा कि तुमने इन कठिन प्रश्नों को कैसे हल किया तुमने इन कठिन प्रश्नों को कैसे हल किया ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको लगाना क्या है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है हाउ ठीक है। लिखा है यू सॉल्व वर्ब किसमें है पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है यू ऑब्जेक्ट क्या है
दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना लेंगे, और सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपका है वो प्लूरल, तो वाज या वर्ब में से क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का प्रयोग, ठीक है। तो हाउ वर, ठीक है, दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हाउ वर दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गया, हाउ हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पर सब्जेक्ट क्या हो गया, दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाना है, वर्ब क्या है, सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी सॉल्व, फिर क्या लगाना हमें है, बाई, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू, और कंप्लीमेंट्री वर्ब्स क्या रहेंगे, कुछ है नहीं, कंप्लीमेंट्री वर्ब्स नहीं है तो हटा दो, छोड़ दो। एक एग्जाम्पल हम और आपको देते हैं, एक एग्जाम्पल हम और आपको देते, लिखा है क्या, लिखा है क्या, वाई डज योर सर्वेंट नॉट लिखा है क्या, तो वाई डज योर सर्वेंट नॉट क्लीन दिस रूम डेली, तुम्हारा नौकर इस कमरे को प्रति साफ क्यों नहीं करता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लगाना है क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये भी सेकंड टाइम में है, डब्ल्यू टाइम में है, तो सबसे पहले हमें यानी क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करना है, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा, वाई, फिर क्या लगाना हमें है, अब देखते हैं हमें देखना है क्या टेंस कौन सा है, टेंस कौन दस के साथ में लगा है, दस लगा हुआ है, तो दस किस में आता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में, तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में हम हेल्पिंग पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं, इज आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो क्या कह रहा है, व्हाई डज योर सर्वेंट नॉट क्लीन दिस रूम डेली, तुम्हारा नौकर ये कमरा प्रतिदिन क्यों नहीं साफ करता है, क्या नहीं साफ करता है, दिस रूम, यह कमरा, तो यह कमरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा था, कि व्हाई डज योर सर्वेंट नॉट क्लीन दिस रूम डेली सेंटेंस है, तो हमने क्या बना बताया था आपको, कि चल रहा है क्या आपका सेकेंड टाइम में, तो इस फार्मूले के अनुसार हम इसको बना लेंगे, कह रहा लगाओ क्वेश्चन वर्ड, तो क्या लग गया, वाई का प्रयोग हो गया क्वेश्चन वर्ड, वाई लगाया, फिर कह रहा हमें हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्योंकि वाक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, इज आर एम आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में, तो सब्जेक्ट आपका है योर सर्वेंट, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस रूम, तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, सब्जेक्ट क्या बन गया, दिस रूम, ठीक है, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि नॉट का भी प्रयोग है, तो चाहे वाक्य एक्टिव में हो चाहे वाक्य पैसिव वॉइस में हो, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पास में करते हैं, तो नॉट हो गया, फिर आपको करना क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब क्या है, क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन, और फिर हमें क्या लगाना है, बाई का प्रयोग करना है वर्ब के बाद में, तो बाई का प्रयोग किया, और प्लस आपको लगाना है क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हम जानते हैं सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका है योर सर्वेंट, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, बाई योर सर्वेंट, इसके बाद आपको कंप्लीमेंट्री वर्ड्स रखने हैं, तो क्या हो जाएगा, और क्या दिया है, डेली, तो क्या होगा, डेली को लगा देंगे, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के या डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है, और यहीं पर हम अपना हम स्टॉप करते हैं, उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो जो दूसरे कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताऊँगा, जैसे कि हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, और सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड,
विच हूज हाउ मैनी और हाउ मच आदि आदि का पूर्ण हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देन बाय बाय।